Come on, we wait. Wow. Go on. Wow, great. Go. आज मैं आया हूँ शेशन माउंटेन विजिट करने। यहाँ पर शेशन माउंटेन पर ट्रैकिंग करने। और ये आप पीछे देख रहे हैं, अगर आपको 70 लिखा हुआ नज़र आ रहा है, 70-70, इसका मतलब ये है कि चाइना ने इस साल जो है अपनी 70वीं सालगिरह मनाई है। चाइना जो है वो 70 साल का हो चुका है। अब शेशन माउंटेन पे हम करेंगे ट्रैकिंग पर आज हमारे साथ हैं टूर गाइड जमाली साहब। हम उनको वेलकम करते हैं अपने चैनल में। वेलकम टू ट्रैवल ट्रैकर चैनल। थैंक यू सजाद भाई। और आइए चलते हैं, ट्रैकिंग करते हैं। तो चलें, तो चलते हैं ट्रैकिंग पर। पीछे जो भी आप देख रहे हैं ये पूरा ट्रैकिंग का ट्रैक है, जो कि आधा नज़र आ रहा है। सारी सीढ़ियाँ बनी हुई हैं और हमें ये सारी सीढ़ियाँ तय करके ऊपर जाना है। अभी हम थोड़ा सा ऊपर आ गए हैं। ट्रैकिंग बनी हुई है, बहुत सारी सीढ़ियां हैं और मुश्किल है, लेकिन करेंगे ट्रैकिंग। सर्दी भी है, सर्दी काफ़ी है। ट्रैकिंग करेंगे तो सर्दी ख़त्म हो जाएगी। और हम अपने टूर गाइड से पूछते हैं उनका क्या एक्सपीरियंस है, क्योंकि अभी तकरीबन 150 से 200 के दरमियान जो स्टेयर्स हमने कवर किए हैं, तो अभी और भी आगे काफ़ी हैं। तो हमारे साथ रहिए, आगे भी देखें, हम आपको बहुत सारी चीज़ें दिखाने वाले हैं। जायो ना मैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं बच्चे भी ट्रैकिंग कर रहे हैं और सांस फूल गया है। अभी तो हाफ भी नहीं हुआ। इस तरह का एक और माउंटेन है, दो पार्ट है ना शेशन माउंटेन के। जायो लाई कमान। वाओ ग्रेट। अभी इस बच्चे ने इतनी तेज से ट्रैकिंग की है और माय गॉड, 4 साल का होगा ज़्यादा से ज़्यादा। असल में यही तो चाइनीज़ बच्चों की अभी से छोटे छोटे उम्र में इतनी ट्रेनिंग करवा रहे हैं अपने बच्चों को, तो ये बड़े होकर इनकी स्टेमिना कितनी तैयारी होगी। बिल्कुल। तो हम भी कोशिश कर रहे हैं, हम भी कम नहीं हैं, हमने भी सारा ट्रैक कवर करना है। तो आए आपको और मज़ीद दिखाते हैं। हाँ, मज़ीद दिखाते हैं। बाकी हिम्मत नहीं है, गले आराम करते हैं, फिर आगे चलेंगे। सजाद भाई हौसला करें, आपके लिए सब कुछ बंदोबस्त है। चाय का बंदोबस्त किया है आपके लिए। अच्छा? लेकिन ट्रैकिंग पे चाय नहीं चाहिए, तो जूस का करते हैं बंदोबस्त। जो सर्दी है। तो हमने साउथ गेट से एंट्री करके फिर हम आगे आए हैं तकरीबन 368 स्टेप्स कवर करके, और उधर से हम अभी हम इधर हैं साइट सीइंग प्लेटफॉर्म पे। इस जंगल में बहुत सारे जो दरख्त हैं वो सारे वो बेम्बू के दरख्त हैं, बेम्बू बांस। और शेशान पहुँच के मुझे मरगला इस्लामाबाद की याद आ गई है। और इधर बारबेक्यू की इजाज़त नहीं है। क्या हुआ सजाद भाई? ब्रेक टाइम इंटरवल। ओके जी। यहाँ की कुछ एक्स्ट्रा पिक्चर्स मैंने निकाली हैं, वीडियो में ऐड कर दूंगा। अगर वीडियो में पिक्चर ना हुई तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक होगा, उसमें आप जाके देख सकते हैं, या आप इंस्टाग्राम पे वो पिक्चर्स देख सकते हैं। सजाद भाई क्या हुआ? पानी ब्रेक। अभी हम दूसरे हिस्से में आ गए हैं शेशान के, और ये है वेस्ट शेशन पार्क। और इस वक्त हम हैं, ये जो टावर था इसका नाम है श्यू दा ज़ोए टावर। इधर बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो मना है, यहाँ पे आपने आग नहीं जलानी, और नो स्मोकिंग, नो कैंपिंग और नो पेट्स, बहुत सारी चीज़ें आपने नहीं करनी। हमारा ये ट्रैकिंग ट्रैक भी तकरीबन ख़त्म होने वाला है। इधर बार बार अनाउंस हो रही है स्मोकिंग, कैंपिंग, पेट्स वगैरह, अपने कुत्तों को साथ नहीं लेके आना। जमाली साहब ऊपर जाते हुए तो बड़ा ज़ोर लग रहा था, बहुत ज़्यादा ज़ोर लग रहा था, लेकिन नीचे जाते हुए भी बड़ा ज़ोर लग रहा है और जल्दी जल्दी हम खुद ही अपने आप को रोक रहे हैं और नीचे जा रहे हैं। जी बिल्कुल, जी बिल्कुल। जमाली साहब क्या बात है, यहाँ पे मैंने कोई भी फॉरेनर टूरिस्ट नहीं देखा, ज़्यादातर सारे के सारे चाइनीज़ ही थे। चाइना में असल में लोकल टूरिस्ट बेताशा हैं और आपने देखा होगा कि हर जगह, हर कंट्री में, थाईलैंड, मलेशिया में ये लोग ग्रुप की शक्ल में बहुत ज़्यादा ट्रैवल करते हैं। चाइना में तो बहुत करते हैं लेकिन दूसरे कंट्रीज़ में भी बहुत ये ट्रैवल लोग करते हैं। जमाली साहब, इस शेशन माउंटेन की जो ख़ास बात है वो हमें बताएं, वो क्या है, किस लिए लोग यहाँ पे आएँ? एक तो ये हो गया ट्रैकिंग का, ट्रैकिंग तो यहाँ पे ट्रैक बहुत ज़बरदस्त हैं। इस जगह की 3 खसूसियात हैं। सबसे पहले जो कि सिटी व्यू, जो कि अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, उसके अलावा चर्च और ये खूबसूरत ट्रैक जो कि इंतहाई पीसफुल और नेचुरल है, जो कि विद इन फॉरेस्ट है। अब जी ट्रैक हो गया है ख़त्म और थैंक यू वेरी मच हमारे टूर गाइड का, अहमद बख्श जमाली साहब का, जिन्होंने हमें गाइड किया ये शेशन माउंटेन के बारे में। थैंक यू सो मच सजाद भाई, आपने टाइम दिया और उम्मीद है कि नेक्स्ट वीडियोस में भी हम ज़रूर मिलेंगे इंशाल्लाह, किसी नेक्स्ट वीडियो में या किसी और कंट्री में इनसे फिर मुलाकात हो। ज़रूर।